नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ। एमपी की एक सांसद इस्तीफा दे सकती हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की सांसद अनिता चौहान के पति मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने बागी तेवर दिखाते हुए पत्नी सहित इस्तीफा देने की धमकी दी है। नागर सिंह चौहान का वन और पर्यावरण विभाग छीनकर कांग्रेस से आए नवनियुक्त मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया गया है, जिससे वह नाराज है। मंत्री ने पार्टी को कोसते हुए साफ कह दिया है कि पत्नी सहित इस्तीफा देने पर एक दो दिन में फैसला ले लूंगा। नागर सिंह चौहान ने कहा है कि मेरी बात अनसुनी कर दी गई है, मैं संगठन से बात कर अगला कदम उठाऊंगा। मैं अपनी पत्नी अनीता के साथ इस्तीफा दे दूंगा, एक दो दिन में फैसला ले लूंगा। लोकसभा चुनाव में अनीता चौहान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अनीता चौहान को 7,95,000 यानी करीब 52% वोट मिले थे, जबकि भूरिया को महज 38%, कुल 5,88,000 वोट ही प्राप्त हो सके थे। अनीता चौहान रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने वाली दूसरी महिला है। सन 1962 में इस सीट से कांग्रेस की जमुना देवी सांसद बनी थी। सांसद के इस्तीफे के इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनके पति मंत्री नागर सिंह चौहान ने पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है। उनका कहना है कि वन विभाग आदिवासियों से बहुत अधिक जुड़ा है, उसे छीनकर कांग्रेस के नेता को दे दिया। इस फैसले से पार्टी का कोई फायदा नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उनसे ही नेतृत्व छीना जा रहा है। मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी से बात कर ली है, अब वरिष्ठ नेता चाहेंगे तो बात करूंगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों इस्तीफा दे देंगे। इस प्रकार मंत्री नागर सिंह चौहान ने सांसद पत्नी अनीता नागर के भी इस्तीफे की पार्टी को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। मंत्री नागर सिंह चौहान के मुताबिक कांग्रेस से आए नेताओं को नवाजना पार्टी का अपने पुराने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करने जैसा काम है। ये बात संगठन के समक्ष भी उठाऊंगा।